नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुबेर की मूर्ति के बारे में। मूर्ति कैसी हो, कहाँ कहाँ आप रख सकते हैं, किस कलर की हो, किस धातु की बनी हुई हो, आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। इसमें सबसे पहली चीज आती है दोस्तों कि अगर आप अपने घर में कुबेर की मूर्ति रखना चाहते हैं या रख रहे हैं या ऑलरेडी आपके घर में है, तो आप उसको अपने घर के उत्तर दिशा में रख सकते हैं दोस्तों। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो कुबेर का स्थान भी कहा गया है वास्तु शास्त्र में। तो सबसे पहली डायरेक्शन, सबसे पहला स्थान उस कुबेर की मूर्ति के लिए बनता है उत्तर दिशा दोस्तों, जिसको कुबेर का स्थान भी बोला जाता है। सेकेंड बेस्ट पोजिशन जो होती है, जो मोस्ट रिकमेंडेड पोजिशन है, वो है आपका पूजा घर दोस्तों। आप अपने पूजा घर में दोस्तों कुबेर की मूर्ति रख सकते हैं, वो उतना ही फल देगी जो आपको उत्तर दिशा में रख के मिलेगा। सेकेंड चीज आती है दोस्तों कि कुबेर की मूर्ति जब भी आप रखते हैं अपने घर में, तो ध्यान कीजिएगा मूर्ति 8 इंच से ऊपर ना हो। मैक्सिमम साइज इस मूर्ति का दोस्तों 8 इंच होना चाहिए। 8 इंच से ऊपर की मूर्ति घर में नहीं चलेगी कुबेर भगवान की दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों किस धातु की मूर्ति बनी हुई हो। दोस्तों अगर आप अपने घर में, पूजा घर में या उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर की मूर्ति रख रहे हैं, तो ये मूर्ति दोस्तों कॉपर की बनी हुई नहीं होनी चाहिए। कॉपर की मूर्ति आप उत्तर दिशा में या अपने पूजा घर में जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ में है या ईस्ट में है, वहाँ पे आप नहीं रख सकते हो दोस्तों। कॉपर की बनी हुई मूर्ति आप उत्तर दिशा में और नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखोगे। उसके अलावा दोस्तों आपको मिक्स्ड मटेरियल की जो बनी हुई मूर्तियां आ रही हैं आजकल, प्लास्टिक जिसमें मिला होता है, वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कुबेर की मूर्ति के लिए। और भी किसी भगवान की मूर्ति हमारे को मिक्स मटेरियल की नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। आप स्टोन की मूर्ति ले सकते हैं बनी हुई, मार्बल की आती हैं, किसी और स्टोन की आती है, और आपका मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ आती हैं, ये मूर्तियाँ आप ले सकते हैं। किसी भी मेटल की, खासकर कॉपर की मूर्ति नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगी दोस्तों कुबेर भगवान की। अगर आप दोस्तों अपने घर में ये मूर्ति नॉर्थ डायरेक्शन में रख रहे हैं, कुबेर भगवान की मूर्ति उत्तर दिशा में रख रहे हैं, तो एक चीज का आपको ध्यान करना है दोस्तों कि उसके आसपास कहीं पे भी क्लटर नहीं होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ कोई डाइनिंग एरिया नहीं होना चाहिए। बहुत बार ड्राइंग डाइनिंग साथ में बन रहा होता है, तो जहाँ पे वो मूर्ति आ रही होती है उसके बिल्कुल सामने डाइनिंग टेबल आ रही होती है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके आसपास जहाँ भी, अगर आप पूजा घर के बाहर कहीं पे भी ये मूर्ति रख रहे हैं उत्तर दिशा में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी, तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान करना है कि उसके आसपास गंदगी ना हो, कहीं पे भी कोई क्लटर ना हो, ना ही उसके आसपास कहीं पे डाइनिंग एरिया आ रहा हो आपका। दोस्तों मेरे से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि सर क्या हम कुबेर की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, कुबेर की मूर्ति आपको गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। उसमें लेने वाले को तो बहुत फ़ायदा है, देने वाले को नुकसान है दोस्तों, अगर आप कुबेर की मूर्ति किसी को गिफ्ट करते हैं। और दोस्तों आखिरी बात इसमें आती है कि कुबेर की मूर्ति जब भी आप लगाते हैं, तो यह मूर्ति हमेशा साउथ फेसिंग आनी चाहिए दोस्तों। कुबेर की मूर्ति कभी भी वेस्ट फेसिंग या किसी और फेसिंग में नहीं आएगी, सिर्फ साउथ फेसिंग आप लगा सकते हैं कुबेर की मूर्ति। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।